अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित पूज्य महासती जी चैतन्य श्री जी मनसा आदि खाना चार के चरणों में विधिवत वंदन करने के पश्चात आज हमारे संघ के बीच ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है। माई पापा इज माई हीरो। तो आज के जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो जज हमारे बीच पधार रहे हैं, हम संघ की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री अजय सा नहार, सुपुत्र श्री भूचंद सा नहार, आप राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु के जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट मद्रास हायर परचेज एसोसिएशन, माताजी ट्रस्ट और के ट्रेजरर ऑल इंडिया सेक्रेटरी, व्यावर सेक्रेटरी ऑफ व्यावर एसोसिएशन, इन सभी पदों पे आप सुशोभित हो चुके हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और मैं अजय सा नहार से और पूज्य महासती जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। उस समय हमारे घर में फोन भी नहीं था, बट
हमारे घर के बाजू में थे, बहुत अच्छे नहीं पर थे, तो उनको हमने बोल के रखा कि 9 से 9:15 आप हमारे लिए थोड़ा फ्री रखिए। तो उस समय वो 2 मिनट जो बात करते थे फोन में, वो आज के कितना भी हम बात कर ले हो उसकी तुलना और उसका कुछ नहीं। आज उसी त्याग और बलिदान के कारण हमारा जब प्लस टू हुआ स्कूल में, तो मैं स्कूल में प्लस टू में स्कूल फर्स्ट आया, मेरा काउंट्स में 100 आया, मेरे पापा की खुशी का उस समय जो चेहरा था उसे मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ। अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को सबको उनके माँ बाप हीरो ही लगेंगे, लेकिन माँ बाप तो सुपर हीरो ही है, लेकिन हमें भी श्रवण कुमार बनना पड़ेगा, तभी हम उनके कृतज्ञता का एक बूंद एटलीस्ट हम उनके जो सैक्रिफाइस हमारे लिए किए हैं हम दे पाएंगे। अतः सबसे यही निवेदन है कि जैसे भी हो जो भी हो अपने माता पिता का कृतज्ञता कभी मत भूलो। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच गया, तब तक तमिल था नहीं मुझे, जैसे ही मैं फर्स्ट में पहुंचा तमिल आ गया। मेरे को पहले अच्छे मार्क नहीं आते थे, मैं इतना अच्छा पढ़ता भी नहीं था, तब मैंने मेरे पापा को बोला कि मेरे क्लास में इतने सारे तमिल स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा अच्छा मार्क आता है तो मेरे को क्यों नहीं आता। मेरे पापा ने बोला कि इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता जितना लोग तमिल में करता। तो उस दिन से जब मैंने मेहनत करना शुरू करा तो मैं तो उसका फल मेरे को फोर्थ स्टैंडर्ड में मिला, जब मैंने 50 में से 50 मार्क्स तमिल में लाया और मैं उसी साल पहली बार फर्स्ट आया। तो मैं उसे एक ही थी। उसके बाद मैंने अभी इस साल 2 पोजीशन थे, पहला पोजीशन हमारे था, दूसरा पोजीशन मैंने मेरे पापा को पूछा कि मैं एम के मेरे रुक सकते हो 8 दिन, मेरे पापा ने बोला ठीक है रुक सकते। मेरे पापा और मेरी मम्मी ने आपस में जब बात की तो उन्होंने बोला ये 2-3 दिन में वापिस आ जाएगा, 8 दिन कहीं नहीं रुक सकता, विदाउट मोबाइल के कुछ नहीं कर सकता। पर मैं 8 दिन इधर रहा, वो भी सिर्फ मेरे पापा के परमिशन के वजह से। उसी के लिए मेरे पापा मेरे सुपर हीरो। मेरे पापा हमेशा ये भी बोलते हैं कि दूसरों को हेल्प करो तो भगवान भी हमें हेल्प करेंगे। आज तक मैंने नहीं माना, पर आज सुबह एक ऐसी सच्ची घटना हुई उससे मुझे मानना पड़ा। आज मेरे दादाजी जो कि KRP में मंडल में मुनीम जी है, वो अपना फोन लेके गए थे और भोजन शाला में इंसान को बात करने के लिए दिए, फिर वो भूल के उधर से चले गए। तो जब मैंने दादी ने उधर फोन किया तो पता चला कि वो अंकल ने बोला कि कोई ECR रोड में मिला, 5,000 रुपया दो मैं आगे दे दूंगा। फिर मेरे पापा ने जब फोन किया तो फिर उन्होंने बोला मैं मस्ती कर रहा था, मैं मुनीम जी को उनका फोन दे देता हूँ। उसी से मुझे पता चला कि दूसरों का गलत तुम हेल्प करोगे तो भगवान तुम्हारा हेल्प करेंगे। हाय शाबाश, जय जय। क्या तुम उससे बचा भैया? बेन जाना तू थक गया। हाय शाबाश, जय जय। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। रोटी बनाने वाले हाथों को मेरा सलाम, रोटी बनाने वाले हाथों को मेरा सलाम, पर हे बंधुओं आज रोटी कमाने वाले हाथों को चूमने का दिन है। माँ के बारे में तो बहुतों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुतों ने बहुत कुछ बोला है, बट पिता के बारे में बहुत कम सुना जाता है और बोला जाता है। बट पापा आप दिल पे मत लेना, आप जो आपने जो किया है वो किसी को अंदाजा भी नहीं है। आपकी कुर्बानियां लिख सके वो कलम तो भगवान के पास भी नहीं है।
मेरे पापा इज माई हीरो, सब बच्चे बोलते हैं, सभी के लिए उनके पापा उनके हीरो होते हैं। सो एक तरफ से और बहुत सारे तरफ से मेरे पापा भी मेरे हीरो रहे हैं और अभी भी है। सो मोस्टली सबके घर में आकर पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ को दिया जाता है, बट मेरा पढ़ाई का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पापा का था, जहाँ घंटों मेरे को दुकान में बैठ के वो पढ़ाते थे। सो शायद एक वक्त ऐसा भी था जब आकर पांचवी कक्षा में मैं थी, मुझे पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, बट यस मैं पांचवी कक्षा में थी, मैथ्स का एग्जाम था, लिख के आई थी, बराबर नहीं गया था, तो पापा ने मुझे कालकोठरी में बंद कर दिया था। वो पता नहीं कि पापा ने जो किया वो सही था या गलत था, वो मुझे आज भी पता नहीं, बट यस आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी हूँ और एक ऐसी इंसान बनी हूँ, तो वो पूरा और पूरा और पूरा श्रेय मेरे पापा को जाता है। ठीक है, तो लास्ट में बस दो लाइन बोल के फिनिश करती हूँ। पापा ने कभी भी आकर किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, कभी भी मेरे को करके नहीं, किसी को भी मना नहीं किया। तो बस ये दो लाइन मेरे मन से पापा के लिए, खाली थे तब भी कभी मना करते नहीं देखा, खाली थे तब भी कभी मना करते नहीं देखा, मेरे पापा से अमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जिन आंखों को आपने कभी देखा नहीं हो, आज उन आंखों की रोशनी में जिसे कभी जिनकी बात कभी सुना नहीं, उनके गुण में आनंद रमेंगे। मैं रवीना तालेरा मेरे पापा के बारे में, माय डैड इज अ सुपर हीरो के बारे में बताने वाली हूँ, हमारे सरकार के बारे में। माय डैड इज अ सुपर हीरो, शायद मैं पहले मानती नहीं थी, पहले जब हम लोग टीनेजर थी मैं तो ये सोचती थी कि माय डैड इज अ विलन। आई थिंक सो सब लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते होंगे, हर चीज में नहीं करना, वोटर मच्चा वो मत मैं अटक मचा, ऊपर क्यों गई नीचे की वाइट अटक की बैठी वोटर बैठ, ऐसे ही बोलते रहते थे। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक माय डैड इज अ विलन, माय मम्मा इज सुपर पापा विलन, बस ये कॉम्बिनेशन होता है हर घर का। हम लोग स्कूल में जाकर यही पाते थे, राज पापा के चिल्लाया था ना ऐसे। तो दिस वॉज माई जर्नी टू लाइक इवन अंडरस्टैंड माय डैड इज अ सुपर हीरो टू लाइक टू गेट मैरिज। सो टुडे व्हेन आई एम मैरिड मेरे को पता चलता है कि माय डैड इज एक्चुअली अ सुपर हीरो। अगर सुपर हीरो बनना ये होता है कि सब कष्ट को सहन करें, सुपर हीरो बनना ये होता है कि वो सब कुछ वो करे, सुपर हीरो बनना ये होता है कि चाहे कुछ भी दुनिया में वो सबके लिए वो लड़े। माय डैड इज नॉट अ सुपर हीरो, आई डोंट वांट हिम टू बी अ सुपर हीरो, नहीं बनना सुपर हीरो, आई वांट हिम टू बी अ डैड, सिंपल डैड, कि वो सब चीज वो सहन करे। माय डैड इज द बिगेस्ट लायर, सबसे बड़े झूठे वो ही है। आज तक कभी हमको नहीं बताया कि उनका कष्ट क्या है, आज तक कभी हमको नहीं बताया कि उनकी कमाई क्या है, हमने हमेशा पूछा क्यों पापा उसके पास कार है, हम लोग भी स्कूटर में जाए, कभी नहीं बताया पापा ने कि क्या कष्ट है, किस पॉकेट में खड़ा रख के पापा बोलते थे चलो बेटा कुछ भी खरीदे, आज खुद को भी कुछ भी खरीदे, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं पॉकेट में। कभी दिवाली आती थी तो हम लोग पहले ही पूछते थे कि आज हमको क्या दिला के देने वाले हो, कभी इन्हें पूछा कि पापा आप क्या पहनने वाले हो। आई थिंक सब कुछ इस चीज, सब लोग इस चीज को अग्री करते होंगे आज ये बात पे। माय डैड इज ऑलवेज बीन अ विलन फॉर मी इन माय लाइफ, विल आई अंडरस्टैंड दैट माय डैड इज एक्चुअली अ सुपर हीरो लाइक टू गेट मैरिड। पापा की आंखों में कभी आंसू नहीं देखा, जब 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 मेरी विदाई हुई तो पापा की आंखों में कभी आंसू बंद नहीं हुए तब से। माय डैड इज एक्चुअली अ सुपर हीरो फॉर मी बिकॉज वो कभी उनका दुख कभी मुझसे नहीं बोले, ही इज द बिगेस्ट लायर आई थिंक, सो उनसे बड़ा डबर कोई भी नहीं है। इतने आसानी से उनको खुद बना देते थे, चल आराम से पैसे पॉकेट से ले लेते थे, पापा ट्यूशन लग के फ्रेंड के साथ घूमने चल जाते थे, पापा और मम्मी कहीं बोलते जावा तो जावा तो कहीं कोई घूमना नहीं हमारे। We have always taken him for granted, but I'm so grateful कि आज मेरा चांस कि हम लोग बोले कि माय डैड इज रियली सुपर हीरो। इसके पहले कि बहुत लेट हो जाए, हम सब लोग अपने इससे पहले कि आज मेरे पापा मेरे साथ हैं, तो आई कैन स्टैंड विद हिम। सो आई वुड से कि जो भी पापा जिनके जिनके साथ है आज, उनसे गले मिल ले, सारे गिले शब्द मिटा दे एंड से डैड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज आपको तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, आज आपको तो मैं सबसे अच्छी बहू हूँ, आज वो तो सबसे अच्छी बेटी हूँ, आज आपको तो मैं आज खड़ी होगी, आज मैं लॉयर हूँ, सबको बोल सकते कि मैं सुरेश कुमार की बेटी हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू डैड सो मच। हर्ष 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 हर्ष
निहल भाई पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तन्हा और राह सुनसान है, वही जमीन वही आसमान है, वही खुदा वही मेरा भगवान है। नमस्कार, मेरा नाम मेघव जैन है, मेरे पापा का नाम वीर कुमार है। अब मैं मेरे पापा के बारे में क्या बोलूं? पापा मेरे वो ताकत है जो पूरे दिन के थके होने पर भी घर आके सोने के बजाय मुझको साइकिल चलाना सिखाते हैं। पापा मेरे वो मिसाल है जो तपती गर्मी में एक गरीब बूढ़ी औरत को नंगे पैर देखकर अपना चप्पल उतार के देते हैं और खुद घर नंगे पैर लौट आते हैं। पापा मेरे वो मुस्कान है जो मेरे खुशी के लिए अपनी छुट्टी वाले दिन मेरे साथ खेलते हैं, भले ही उनको कितना भी काम क्यों ना हो। पापा मेरे वो महान है जो खुद अधूरी नींद लेते हैं ताकि मैं रात की ठंड में ओढ़े बिना ना सो बार बार उठ के मुझे चारे से डकते हैं। पापा मेरे वो निस्वार्थ है जो मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं जो भी इनके बस में हो। पापा मेरे वो शिक्षक है जो मुझे सही गलत का मार्ग दिखाते हैं ताकि मैं एक अच्छा मनुष्य बन सकूं। पापा मेरे वो दोस्त है जिन्हें मैं अपने मन की हर बात बता सकता हूँ बिना डरे। पापा मेरे जीवन की मिठास है मुझे चिल्लाने या डराने के बजाय मुझको प्यार से हर चीज समझाते हैं। उनके डांट में भी प्यार झलकता है। पापा मेरे दिलदार है, वो दिलदार है, मेरे साथ बैठकर मेरी पसंद का टीवी प्रोग्राम देखते हैं, भले ही उनको अपना टीवी प्रोग्राम छोड़ना पड़े। पापा मेरे प्यार का भंडार है, मुझको जीव भर के आशीर्वाद देते हैं और मेरे मत्थे पर प्यार से चूमते हैं। My dad may not be perfect. What he's doing, what he does best, be my dad. Oh Papa, no matter where I be in life, you will always be my number one man. Love you Papa, love you so much. Harsh, harsh. Jai, jai. Itna chota bachcha, itna achcha bola, iske liye ek baar sabhi bolenge harsh, harsh. Jai, jai. क्योंकि पापा की लाडली प्यारी सी बेटी हूँ मैं।
मीठा खाने का शौक था मुझको रोज, मीठा खाने का शौक था रोज मुझको। जिस दिन घर पे मीठा ना हो शक्कर का डब्बा लेकर बैठ जाया करती थी। पापा जब थक के आ रहे दुकान से आके मिठाई का डब्बा ना देखकर तुरंत वापस चले जाते और मिठाई लाकर मुझे खिलाते, क्योंकि पापा की लाडली प्यारी बेटी हूँ मैं। थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी हुई, घर में सबने चिल्लाया कुछ तो खाना बनाना सीख जा। बड़ी मुश्किल से एक दिन भिंडी बनाई, आधी कच्ची आधी जल गई, आधी कच्ची आधी जल गई। लेकिन पापा ने बड़े प्यार से उस भिंडी को कुरकुरी भिंडी कहके सबको खिलाया, कुरकुरी भिंडी कहके सबको खिलाया, क्योंकि पापा की लाडली और प्यारी बेटी हूँ मैं। थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी हुई, खुद वर चुना मैंने, खुद वर चुना मैंने। पापा ने बहुत समझाया, बड़ा परिवार है कैसे तू रह पाएगी, बड़ा परिवार है कैसे तू रह पाएगी, इतनी लाजों से पली कैसे वहां साथ भाइयों को निभा पाएगी। लेकिन जिसके आगे पापा ने हार मानी और मुझे अपना मनपसंद वर से कन्या करा के कन्या ज्ञान कराया। लेकिन जाते समय सिर्फ एक सीख दी उन्होंने, बेटा एक रोटी का चार टुकड़ा तू करना, बेटा एक रोटी का चार टुकड़ा तू करना, कभी दुखी तू ना रह पाएगी। सच में वो काम आया, 30 सालों तक संयुक्त परिवार में सबकी लाडली और प्यारी भाभी बनी है, सबकी लाडली और प्यारी भाभी बनी। दो वर्ष पहले जब इनका इस संसार से जाना हुआ सबने आया संतावना दी, लेकिन पापा ने एक शिक्षा दी, वो संसार से गए हैं बेटा, वो संसार से गए बेटा, दिल से कभी ना जाएंगे, तू उनको दिल में रख ले, हमेशा खुश रह पाएगी, हमेशा खुश रह पाएगी। बस यही शिक्षा थी मेरे पापा को, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, शब्द नहीं है मेरे पास, बस भाव जगे थे, हमारा साथ ही आज्ञा ली। और 50 साल की उम्र में मैं बोलूँ क्या अच्छा लगेगा, हमारा साथ एक छोटी सी बात हो बच्ची है पापा के लिए तू बोल सकती है। बस मैंने अपने भाव अपने जीवन का बोल कर रख दिया आज सबके सामने। धन्यवाद देती हूँ पापा को, थैंक यू, आई लव यू पापा, आई लव यू। हाय शहर, नेक्स्ट मुकुट पहले डाल के देनी रखनी है। जय जिनेन्द्र, मेरी पढ़ाई लिखाई और परवरिश के लिए मैं जिसकी कर्जदार हूँ, मेरे नसों में जिसका खून और नमक दौड़ रहा है, आज कुछ पंक्तियाँ मेरे उस सुपर हीरो के नाम, मेरे पापा के नाम। पापा वो है जो अपने धूप में रहती थी तब वो जलते थे, जब मैं मुझे छाव में लेकर वो धूप में जलते थे। मैंने ऐसा एक फरिश्ता अपने पापा के रूप में देखा है। दुनिया में निस्वार्थ प्रेम अगर कोई कर सकता है तो वो हम सब जानते हैं माता पिता का ही प्यार हो सकता है। पिता पूरी दुनिया में सिर्फ पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कहीं ज्यादा कामयाब बने। पिता घर में सूरज की तरह होते हैं, सूरज गर्म जरूर होता है लेकिन यदि ना हो तो घर में अंधेरा छा जाता है। तो मेरे पापा हमारे सुपर हीरो, हम सबके आदर्श है। उनका कहना ही क्या, वो तो ऑलराउंडर है। सुबह 5 बजे उठना, योगा करना, सामायिक करना, जीव दया हेतु पक्षियों को दाना डालना और मम्मी की मदद करना, पानी छानना, धोवन बनाना, इस तरह राखी गोजर का त्याग करना, पर्व तिथियों पर त्याग तपस्या करना, प्रतिक्रमण करना, इस तरह बहुत ही सिस्टमैटिक लाइफ जीते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी पापा की तरह सिस्टमैटिक लाइफ जीऊँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों 40 साल की होने आई हूँ, अब तक कोशिश ही कर रही हूँ, मैं अब तक उतनी सिस्टमैटिक नहीं बन पाई। ये पापा थोड़ी है, ये जादू कर रहे हैं, जो एक मांगते हो 1000 ले जाते हैं, अपने लिए बिल्कुल लापरवाह लेकिन हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह ले आते हैं। कोई तो बता दो यार, ये पापा किस दुनिया से आते हैं। मेरे पापा हमारे आदर्श, उन्होंने कभी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा, हमें अच्छी शिक्षा दी, ड्राइविंग, कंप्यूटर्स, योगा आदि सभी में आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ हमें धार्मिक संस्कार भी दिए। बहुत आलस आता था संडे सुबह जल्दी उठने में, जबरदस्ती हमें उठाते थे और धार्मिक पाठशाला लेकर जाते थे। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी हमें शिविर ले जाते थे। उन्होंने खुद ने 40 साल की ज्यादा उम्र में प्रतिक्रमण त्याग किया और हम सबको सिखा दिया कि ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, बस लगन होनी चाहिए। हमने पापा से बहुत कुछ सीखा जो मैंने अपने
बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ। पापा ने हमेशा हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया, हमेशा कहते रहे हमेशा सच बोलो, कभी जिंदगी में झूठ मत बोलो, हमेशा सबकी मदद करो, नेकी करो और दरिया में डालो। ये बात मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। तो इस तरह हमें सिखाना ही नहीं, ये सिलसिला मेरे पापा का अभी तक जारी है। मेरे बच्चों को भी वह जब भी समय मिले अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, संस्कार देते हैं। स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता।
कभी धरती तो कभी आसमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया अगर माँ ने, जानेगा जिससे जब वो पहचान है पिता। कभी कंधे में बिठा कर मेला दिखाते हैं पिता, तो कभी बन के घोड़ा घुमाते हैं पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोगी तो कभी ना भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम जितेंद्र रंका है और मेरी एज 9 साल है। पापा का नाम चक्रवर्ती रंका है। मेरी दुनिया मेरी जान हो, पापा आप सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरी जमीन है तो पापा आप मेरा पूरा आसमान हो। पापा यू आर माई हीरो, पापा आप सबसे अच्छे पापा हो इस दुनिया में। पापा आप हीरो ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा का पात्र हो। माँ दादी हमें पाल पोस कर अच्छे संस्कार देती है, वही पापा हमें पूरी बाहर की दुनिया दिखाते हैं। सुबह संडे को धन पाठशाला छोड़ना और लेने आना, जिधर मैं सामायिक प्रतिक्रमण 25 बोल पद्मावली स्तोत्र 25 सुनम स्तोत्र आदि सीखा। थैंक यू पापा, आप तो हीरो बन गए पर मुझे भी धर्म हीरो बना। हाँ फिर होटल भी ले जाते हैं और होटल में तरह तरह के डिशेस टेस्ट कराते हैं, तो कभी बीच कभी मूवी दिखाते हैं, कभी दोस्त बनकर अच्छी शिक्षा देते हैं, कभी बच्चा बनकर बच्चों के साथ खेलते हैं। जब मैं रूठ जाता हूँ मुझे जोक सुनाकर हंसा देते हैं, और जब मैं स्कूल में कम मार्क्स आता हूँ मुझे डांटने के बगैर अच्छे से बैठ के समझाते हैं, और जब मैं फर्स्ट रैंक लाता हूँ तब मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिलाते हैं। थैंक यू पापा, यू आर माई रियल हीरो। हाँ हीरो वर्ड से याद आया, कोई भी शादी के फंक्शन का नाटक हो उसमें भी पापा ही हीरो का रोल करते हैं। पापा देर रात को ऑफिस से आकर थके हुए आते हैं तो भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करके हमारे साथ खेलते हैं। थैंक यू पापा, यू आर माई रियल हीरो और रंका परिवार के आन बान और शान। नेक्स्ट आपके सामने पापा ना सिर्फ मेरे हीरो है बल्कि मेरी प्रेरणा भी है। मेरे पापा एक अच्छे पिता होने के साथ मेरे पापा एक अच्छे पिता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति और एक आज्ञाकारी पुत्र भी है। मेरे पापा मुझे कभी डांटते नहीं ना मुझे कभी रोकते हैं। मेरे पापा मुझे मैथ्स में बहुत मदद करते हैं, वो मेरे गुरु भी हैं। मेरे पापा मुझे हर मुश्किल से लड़ना सिखाते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते और मुझे भी यही सिखाते हैं। मेरे पापा बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो की तरह विलन से लड़ते तो नहीं है पर फिर भी वो मेरे सुपर हीरो हैं। मेरे पापा हर सुबह कुमार सानू की तरह गाना गाते हैं, लेकिन वो उनकी तरह इतना अच्छा तो नहीं गा पाते लेकिन फिर भी वो मेरे सुपर हीरो हैं। वो मुझे एंटरटेन करते हैं शाहरुख खान बनकर, कभी कभी उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। वो मुझे हमेशा खुश रखते हैं और मेरी हर बात मानते हैं, मम्मी की डांट से भी बहुत बार बचाते हैं। मैं अपने पापा के लिए एक कविता सुनानी चाहती हूँ। परिवार की हिम्मत है, परिवार की ताकत है, वो मेरे पापा। पापा जमीन है, पापा जान है, जिनके पास यह है वो सबसे अमीर है। धन्यवाद। आज मैं अपने पापा के बारे में बोलना चाहती हूँ। पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। उन्होंने क्या क्या किया है मैं गाने के बारे में गाने के द्वारा आपके पास शेयर करना चाहती हूँ। बताना न बाबू जी, छुपाना न बाबू जी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
मेरे पिता क्या कुछ नहीं है,
सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे हीरो हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे रोल मॉडल भी हैं। मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, जो भी बोलता हूँ अपने से ही लेके आ जाते हैं। जब भी मम्मी कुछ अच्छा नहीं बनाती, मैं मना कर देता हूँ तो बाहर से उसी से मंगवा देते हैं, कभी भी ठुकराते नहीं। जितना भी तक जाते हैं पर भी मेरे साथ खेलने आ जाते हैं। सिर्फ मेरे को एक ही बोलने पड़ते हैं, समय करो, माला फेरो और अपने के लिए जनरल नॉलेज और पढ़ाई करो। दूसरा, तुम फुल डे कुछ भी करो, ना रोकूंगा ना टोकूंगा। मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ एक कविता के साथ। मुझे मोस्टली सबसे फोन पापा ही दिलाते हैं, उसी फोन के अंदर सबसे कम फोटो पापा के ही होते हैं। सबसे बुरे सिचुएशन भी हमारे साथ खड़े होते हैं, पर लेकिन हम उनके साथ ही सबसे कम बैठते हैं। हमेशा मेरे ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन हम उनके साथ ही सब कम बैठते हैं और बात करते हैं। तो हम सब टाइम का कदर करके उनके साथ बैठे बात करें और उनका टाइम स्पेंड करके हालचाल पूछे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम है खूबी पालमर। मेरे डैडी मेरे सुपर हीरो है। पापा को पाया तो रब को पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है, जन्म जन्म तक पापा तेरा साथ मांगा है। ये खुशी बात मत लेकिन बुरी बात मत। हम तुम उठाया तुमने अकेले, हम तो बस हर दम खुशियों में खेले। सारे संसार का मानो सम्मान दो, अपनी खुशियाँ सभी तुझ पे ही वार दो, अपनी खुशियाँ सभी तुझ पे ही वार दो। ये मेरा जीवन तो तेरा साया है, ये मेरा जीवन तो तेरा साया है, तेरी छाया में दिल का चैन पाया है, तेरी छाया में दिल का चैन पाया है। हर्ष 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 जय जय। नेक्स्ट 24 लक्ष्मी पालमर 6 साल का अपने सामने। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं माई फादर माई हीरो पे स्पीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिसने सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखलाया है, कोटि कोटि नमन ऐसे पापा को जिन्होंने हर पल में मेरा साथ निभाया है। कुछ ऐसे हैं मेरे पापा, जब भी गलती करता हूँ तब डांटते नहीं है, हाथ पकड़कर प्यार से समझाते हैं। जब जब मैथ डिफिकल्ट लगता है तब तब पापा को बुलाता हूँ और पापा सेकंड से समझा देते हैं, और जब मम्मी डांट लगाकर सुबह उठाती है तब पापा प्यार से अपना हाथ मेरे सर पर सहलाकर मुझे उठाते हैं। कुछ ऐसे है मेरे पापा, बिना मांगे सब जान जाते हैं, बिना मांगे सब जान जाते हैं, बिना कहे सब पहचान जाते हैं। हर रोज नए नए गिफ्ट लाते हैं, हर पिकनिक को वंडरफुल बनाते हैं। मेरे पापा मेरे सुपर हीरो हैं, मेरे पापा मेरे गुरु हैं, मेरे पापा मेरे दोस्त हैं। मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात समझाते हैं कि जो पत्थर मार सहन कर पाता है वह भगवान की प्रतिमा बनता है, जो पत्थर मार सहन कर पाता है वह भगवान की प्रतिमा बनता है, और जो नहीं कर पाता वो लोगों के पैरों में आता है, और जो नहीं कर पाता वो लोगों के पैरों में आता है। दिस सॉन्ग इज रेडी फॉर माई डैड। पापा को पाया तो
चैन पाया है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। जन्म जन्म का साथ पापा तेरा मांगा है। आज बहुत अच्छा। आगे का नाम जय जी ने। मेरा नाम देवांश बंसाली, मेरे पापा का नाम अंकित जी बंसाली। आज मेरे को मौका मिला है कि मैं मेरे पापा के बारे में बोल सकूं। मेरे पापा कहने को तो बहुत है, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। जीवन के हर पल मुझे परी जैसे किसने रखा, वो है मेरे पापा। मेरे रख मेरे ख्वाहिशों को पूरा किसने किया, मेरे पापा। ये कैसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, भीड़ में भी मुझे ढूंढ लेंगे, आसमान को छूने का पर प्रेरणा मुझे दे देंगे। मेरे जब भी मेरे को बनाते हैं वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। मैथ्स मैथ्स में मैं थोड़ी वीक हूँ, तो जब भी मैं कोई डाउट एक या दो बार पूछती हूँ कभी भी छिपाते नहीं, बहुत ही पेशेंस से मेरे को पढ़ाते हैं। और अगर मैं कोई भी छोटी सी मिस्टेक करूँ तो जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाती मेरे को 10 बार कितनी भी बार वापस वापस कराते हैं। एक पापा से ज्यादा एक लड़की के नखरे कोई नहीं उठा सकता है। एक चीज मांगो तो 4 चीज ले आएंगे, मेरी इच्छा तो पूरी करेंगे पर अपनी इच्छा भूल जाएंगे, मेरी फिक्र में खुद की फिक्र करना भूल जाएंगे। टू माय डैड, मेरे पापा, यू आर, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, मेरे साथ रहने के लिए, हमें मेरे साथ हमेशा रहने के लिए धन्यवाद। हर्ष हर्ष बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। मतलब की दुनिया में वो ही हमारी शान है, हर शख्स के वजूद की पिताए पहली पहचान है, पिताए पहली पहचान है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन, यहाँ पर विराजित साथी जी को मेरा कोटिश नमन, अर्थ विराजित सभी जेनियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वैसे तो हमेशा माँ की ममता के बारे में सुना है, माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, अपना जीवन न्योछावर करती है, बहुत दुख सहन करती है, कठिनाइयों का सामना करती है आदि। यह सब बातें 100% सही है, लेकिन कभी यह चर्चा सुनी है कि पिता ने अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट सहन किया, दिन भर मेहनत की अपनी संतान के लिए, खाना पीना सब भूलकर कमाने में अपना जीवन बिता दिया। कितनी बार तो ऐसा होता है कि कमाते कमाते वह अपने बच्चों का बचपन ही नहीं जी पाते। मुझे रख दिया छाव में, खुद चलते रहे धूप में, मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पापा के रूप में। आओ अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ अपने पापा के बारे में। मेरे पापा नीरज जी कोठारी और मैं उनकी अमूर टिमोड़ी टिमोड़ी न जाने किन किन नामों से बुलाते हैं, पर मेरा असली नाम महक कोठारी है। जब मैं सुबह सोती रहती हूँ तो पापा मेरी नजर उतारते हैं सुधु करके, फिर जब मैं स्कूल जा रही होती हूँ तो भैया को कहते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखना, अकेले जाने मत देना, आंगली पकड़ कर जाना। जब मैं स्कूल में रहती हूँ तो मम्मी को कॉल कर बोलते रहते हैं कि मेरी अम्मू टम्मू स्कूल में क्या कर रही होगी, फिर अचानक ही रुक जाते हैं, यह कहकर कि अगर मैं उसे याद करूँगा तो उसे हिचकी आएगी जिससे उसे तकलीफ होगी। जैसे ही मैं स्कूल से घर आती हूँ सबसे पहले कॉल पापा का, क्या कर रही है बेटू, कुछ चाहिए क्या तो मुझे बोल, मैं दिलाऊंगा, मम्मी को और बोला। ऐसे करते करते दिन में पापा का कॉल बहुत बार आ जाया करता है। पापा रात को ऑफिस से घर लेट आती है, जब तक मैं सो चुकी होती हूँ तो खुद की रोटी बनाकर ही सुनाने लगते हैं। मेरी मम्मी कहती रहती है कि जैसे राजा की जान तोते में बसती है वैसे ही पापा की जान तुझमें बसती है। मम्मी को अगर पापा से कुछ भी बात करवानी हो तो मुझे कहती है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं सभी पापाओं के लिए। उंगली पकड़ कर चलना सीखा। जय जिनेन्द्र, सबको नमन करती हूँ मैं। मैंने मम्मी के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है और लिखा भी है। मम्मी का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती है और दिल भर आता है, पर
पर आज मैं मेरे पापा के बारे में बोलने वाली हूँ। माय पापा, माय हीरो, माय बड़ी। पापा का नाम सुनते ही सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और सीना फूल जाता है। सो लेट इट स्टार्ट। बट फर्स्टली वी लव माय पापा। माय पापा इज द बेस्ट। ओके सो पापा है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पापा है तो उड़ने से परिंदों की उड़ान है। पापा है तो सब सपने सच्चे है। पापा है तो दुकान के सब खिलौने अपने हैं। अब मेरी बारी है। पापा माना कि पापा स्नानक गम आते हैं, पर वो हमको छोड़ने आते हैं रोज जरूर। माना कि पापा स्नानक गम आते हैं, पर वो हमको छोड़ने आते हैं रोज जरूर। खेलने और घुमाने के साथ ही है हम पापा कभी, पर कभी कभी मम्मी के डांट के भी आदी है पापा। पर कभी कभी मम्मी के डांट के भी आदी है पापा। माय पापा इज द बेस्ट। ऐसा नहीं कहूंगी, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है, यह जरूर कहूंगी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा? ओ मेरे पापा, वी लव यू पापा। आज मेरा नाम प्रिया रहता है। मेरे पिता मेरे हीरो। माँ के उपकारों के साथ पिता की महिमा को हम नहीं भूल सकते। पिता है परमात्मा, पिता है परमात्मा। कितने कष्टों से पिता ने जीवन बिताया, कितना कुछ खोकर फिर कुछ तूने पाया। कितने कष्टों से पिता ने जीवन बिताया। मेरे पिता मेरे असली हीरो हैं, क्योंकि वह मेरे जिंदगी के सबसे खास शख्स है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जब भी मैं उदास होती हूँ तो आप मुझे मनाते हैं। जब भी मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ तो आप दो या तीन चीज लाकर लेते हैं। और मम्मी डांटते हैं, इतना क्यों लेके आए, तो आप बोलते हो छोड़ो ना, अभी कितना दिन मांगी ला। आपने मुझे हमेशा एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की है। गुड़िया हूँ मैं पापा की और मेरे सबसे प्यारे दोस्त है पापा। आई लव यू पापा। धन्यवाद। जिंदगी में माँ की भूमि है ना, मैं तो पापा का अभिनय कुछ कम नहीं, बस उसे अनदेखा किया जाता है। आज मैं पापा के बारे में कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। पापा का स्वभाव होता है जैसे नारियल ऊपर से सख्त, पतली से कोमल। खुद तो हमेशा दिल में रहते पर हमें शहजादी सा एहसास कराते। दिन भर थककर जब घर आते तो सारी खुशियाँ पॉकेट में भर लाते। शास्त्रपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतिर विराजित चैतन्य शिशु महासा आदि थाना चार के चरणों में वंदन। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम राजू कोठारी है। मेरे पिताजी का नाम नीरज जी कोठारी है। आज मैं एक कविता के माध्यम से मेरे पिता के बारे में अपने भाव प्रस्तुत करना चाहूंगी। नगरी तो अपने मैं पूरी दुनिया को दिखाती हूँ। नगरी तो अपने मैं पूरी दुनिया को दिखाती हूँ। जो उठाते हैं नगरों को मेरे, मैं उन्हें पापा बुलाती हूँ। इस गिरती दुनिया में मैंने एक सहारे को देखा है। इस भागती हुई भीड़ में मैंने अपने पिता को देखा है। दिन रात एक करके अपने गरीब परिवार को पालते देखा है। अपने हाथों से हमें खाना खिलाते देखा है। मेरा एक बड़ा भाई है, ये उनके लिए भी है। हम दोनों भाई बहन के ऊपर गुस्सा करते हुए भी देखा है, पर बाद में आंसुओं को भी पहुंचते देखा है। मैंने अपने संवेदनशील पिता को भी देखा है। हर बार बाजार से अपने लिए खिलौने लाते देखा है। बिना कहे हर मांग पूरी करते देखा है। मैंने अपने पिता को कभी ना करते नहीं देखा है। हर रोज सुबह मुझे विद्यालय छोड़ने जाते देखा है।
मुझे दुष्ट करने के लिए बाद में मुझे लेने आते भी देखा है। मैंने सबकी परवाह करने वाले पिता को भी देखा है। हर बार मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाते देखा है, कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा है। मैंने अपने उच्च आत्मा सम्मान वाले पिता को भी देखा है। मेरे पापा अक्षय कुमार के फैन है। एक तरफ अक्षय कुमार के शब्दों को दोहराते देखा है और कभी कभी पंकज उदास की गजलों को भी गुनगुनाते देखा है। मैंने अपनी कला से प्रेम करने वाले पिता को भी देखा है। मेरी हर तकलीफ पर मरहम लगाते हुए देखा है, पर खुद अनेकों बार घोर पीड़ा का एहसास करते हुए देखा है। मैंने अपने सहनशील पिता को भी देखा है। आज मैं भगवान को अर्जी देकर आई हूँ, भले ही कितने सूरज चल जाए, सदियां बीत जाए, आपको हमेशा मेरा ही पिता बनना है हर जन्म में। बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गर्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पापा को मेरी